सो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको स्वतंत्र दिवस के सुरक्षा व्यवस्था के विषय में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपका दोस्त सर्किल प्रमाणिक आपका स्वागत करता हूं योर एंड माइंड पर। तो देश अपना 75वां स्वतंत्र दिवस मना चुका है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर देश का तिरंगा फहराया और आज़ादी की वर्षगांठ पर देश को संबोधित किया। एक तरफ जहां पूरी दुनिया की नज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर थी, तो दूसरी तरफ जब पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे तो वे अत्याधुनिक सिक्योरिटी सिस्टम से घिरे हुए थे। सुरक्षा के मद्देनज़र लाल किले के पास स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया था। यह सिस्टम पलक झपकते ही ड्रोन हमले को नष्ट करने में सक्षम है। यह तकनीक भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO द्वारा विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम स्वतंत्र दिवस पर लाल किले के पास तैनात किया गया। यह एंटी ड्रोन सिस्टम 3 किलोमीटर तक के माइक्रो ड्रोन का पता लगा सकता है और जाम कर सकता है। वहीं अपने लेजर हथियार से टारगेट को 1 से 2.5 किलोमीटर तक नष्ट कर हवा में उड़ने वाले ड्रोन को नीचे ज़मीन पर ला देता है। इसे काउंटर ड्रोन सिस्टम भी कहा जाता है। दरअसल यह तकनीक दो तरीकों से काम करता है। पहला सॉफ्ट स्किल, जिसका मतलब है कि किसी भी ड्रोन के कम्युनिकेशन के लिए लिंक को तोड़ देना, जिसका अर्थ है कि जिस पर कंप्यूटर या रिपोर्ट से उसे चलाया जा रहा है उससे उसका कनेक्ट खत्म कर देता है, जिससे ड्रोन अपनी दिशा से भटककर हवा में उड़ना बंद कर देता है और फिर ज़मीन पर गिर जाता है। और वहीं इसका दूसरा सबसे घातक तरीका है, जिसे हार्ड स्किल कहा जाता है। वे संदिग्ध ड्रोन के एंटी ड्रोन सिस्टम की रेंज में आते ही उस पर दमदार लेज़र हथियार से अटैक करता है। लेज़र हमले से ड्रोन का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पूरा तरह से नष्ट हो जाता है और यह बिना किसी धमाके के ही ड्रोन को ख़त्म करके गिरा देता है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर तक ही होती है। एवं DRDO अधिकारी ने बताया कि DRDO द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम को छोटे ड्रोन से किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में लाल किला क्षेत्र के पास तैनात किया गया है। सिस्टम लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में किसी भी आकार के ड्रोन का पता लगा सकता है और उन्हें निष्क्रिय कर सकता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।